जानी और जंगशी जब छोटे थे तब एक बार जानी रो रहा था तो जंगशी उसके पास आया और पूछता है कि क्या हुआ। उसने देखा कि तुम्हें तो चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जानी कहता है, दर्द नहीं हो रहा है, मैं एक लड़का हूँ, लड़कों को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। जंगशी कहता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो बता दो, मेरे सामने तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जानी ने मान लिया कि उसे दर्द हो रहा है और फिर जंगशी उसकी चोट पर फूंक मार देता है। उन लोगों के बचपन की ये बात जंगशी के सपने में आई थी और जब उसकी नींद खुली तब जानी की मॉम वहाँ पे थी। जंगशी हमेशा जानी का ख्याल रखता है, इसलिए जानी की मॉम जंगशी का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी ओर हेतियान के हाथ की मरमपट्टी हो गई थी, वो मोह गुआनशान के पास आया तो मोह उसे पूछता है कि अब आगे तुम कहाँ पे जाओगे। हेतियान कहता है, पता नहीं। मोह कहता है, हेतियान मेरे साथ घर चलना चाहते हो? हेतियान ने कहा हाँ, और फिर वो दोनों मोह गुआनशान के घर गए। मोह गुआनशान की मॉम उसे देखते ही पूछती है कि तुम्हें फिर से इतनी सारी चोट क्यों लगी। मोह अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, हेतियान ने मेरी मदद की थी, अब सब कुछ सेटल हो गया है, अब मेरी कभी किसी से फाइट नहीं होगी। मोह गुआनशान की मॉम ने सूप बनाया था जिसका टेस्ट हेतियान को बहुत ही डिलीशियस लगा, लेकिन तभी मोह उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले गया। वो हेतियान का नाम लेता है और उसके करीब जाने लगा, उसके फिंगर्स के साथ अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करता है और उसके गाल पे किस करता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में जंगशी अपने घर वापस चला गया। उसके बाद जानी की मॉम जब वार्ड में वापस आई तब जानी जाग गया था। वो जानी के सर पे करेस करती है और पूछती है, क्या तुम मॉम से गुस्सा हो? जानी कहता है, नहीं। उसकी मॉम कहती है, मैं हमेशा ही तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के बाहर चली जाती हूँ, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं की। और वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो अपने पास्ट की स्टोरी बताती है कि वो जानी के पापा से कैसे मिली थी। वो जब जवान थी तब एक बार हाइकिंग के लिए गई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी टीम से अलग हो गए। उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, उसकी हालत एकदम ही खराब हो गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे माउंटेन पे किसी का घर मिल गया। वो जब वहाँ पे पहुँची तब उसमें जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी और वो गिरने लगी। तब मिस्टर जान ने उसे संभाला और उस दिन ही वो दोनों पहली बार मिले थे। यहाँ पे मोह गुआनशान के रूम में वो हेतियान के गाल पे किस कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका चेहरा रेड हो गया, वो उससे दूर होने लगा और कहा कि तुम्हें जब भी सूप पीने का मन करे तब तुम यहाँ पे आ सकते हो, मेरी मॉम भी तुमसे इतना हेट नहीं करती, मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे आना मेरी मॉम को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। हेतियान ने अभी उसे पकड़ के रखा था, उसे जाने नहीं दिया। दोनों के चेहरे थोड़े थोड़े रेड हो रहे थे। हेतियान कहता है कि हाँ, तो बस तुम्हें इतना ही कहना था। मोह गुआनशान ने ड्रॉअर में से ईयर पियर्सिंग किट निकाला और हेतियान के हाथ में दिया। वो बोलने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था और ये कहना चाहता था कि जब भी तुम रेडी हो तब तुम मेरे कानों में पियर्सिंग लगा देना। वो दूसरी ओर नजरें करके ये सब कुछ बोल रहा था तो हेतियान उसका फेस अपनी ओर करता है कि मेरी ओर देखो। शावमो, तुमने मेरी जान बचाई है तो आज से तुम जो भी कहोगे मैं वो सारी बात सुनूंगा। वो उसके होठों पे करेस करता है और कहता है कि बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मोह हेतियान का फेस अपनी ओर लाता है और उसने इशारे में ही कह दिया कि उसे क्या चाहिए। हेतियान कहता है, शावमो, तुम जो भी चाहोगे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। और वो उसे किस करता है।